कहाँ जा रहे हैं सूफी साहब? अमीन और गुलजार के स्कूल तक। खैरियत तो है ना? हाँ, वो महबूब नेशनली से बच्चों के लिए कुछ किताबें मंगाई थी, उसे अभी तक मिली नहीं। तो आप क्या करोगे? करूंगा क्या, मास्टर से कहूंगा कि अभी तक मिली नहीं किताबें। हाँ, मगर मिलने की उम्मीद है। अच्छा चलो जरा जल्दी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे करीम भट्ट भाई, क्या बात है, आज यहाँ कैसे? अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए, आप ही की तरफ जा रहा था। मेरी तरफ? अरे खैरियत तो है? हाँ, मजीद साहब ने बुलाया आपको। मजीद ने? कौन मजीद खान? क्या बात है सूफी साहब, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। ये वर्दी, ये कुर्सी, ये दफ्तर सरकारी है। मैंने जो कुछ भी किया अपने दिल से नहीं किया, अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी और अपनी नौकरी के लिए किया। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाहता हूँ? कहते रहो मजीद खान, मैं सुन रहा हूँ। मैं अब भी जोर जबरदस्ती कर सकता हूँ, इस बात की इजाजत सरकार ने मुझे दी है। मेरी पीठ और हमारे सीने के घाव इस बात को जानते हैं मजीद खान, असल मकसद पर आओ। रशीद अहमद फिर से इस गाँव में वापस आया है। वो तुम्हारे हाथों में या तुम्हारे कानून और सरकार में उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं है, या फिर तुम उसके बजाय अपनी ताकत को मजबूर, बेबस और लाचार इंसानों पर आजमाना चाहते हो। सूफी साहब, अगर मैं चाहता तो कल रात को ही अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ। तुम जो चाहते हो मजीद खान वो तुम करो, क्योंकि रशीद मेरा नहीं तुम्हारा फैसला है। ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि कल को अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो आप इसका इल्जाम मुझे ना दे। मजीद खान, बुलबुल बाग और वहाँ के लोगों पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमारी हद के बाहर तुम्हें कुछ भी करने का हक है। और हाँ मजीद खान साहब, अगर आपकी गोली रशीद की छाती को जीत कर उसे खत्म कर दे तो उसकी लाश को भी बुलबुल बाग, क्योंकि मैं उसकी कब्र को दोबारा खोद कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। सलाम अलैकुम। बेटे की मोहब्बत बाप को कितना मजबूर, कितना लाचार बना देती। खैर इसमें गलत भी क्या है, अपना खून है, दिल तो करेगा ही देखने को। हाँ देख देख, वहां रहा तेरा भतीजा और तेरा लाडला, तेरा लख्त जिगर गुलजार अहमद। हाय कितनी मासूमियत और लापरवाही से चला रहा, बेचारे के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती कि उसका मजबूर बेबस बाप उसे छुप छुप कर देख रहा है और खून के आंसू रो रहा है। और बाप के भी ख्वाबो ख्याल में ये बात नहीं आ सकती कि आज अगर उसकी अपनी औलाद को बाप के मौत की खबर भी सुना दी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इस सब का जिम्मेदार है तेरा अपना भाई, जिसने इस मासूम से बच्चे के दिल से बाप की मोहब्बत को खुरच खुरच कर मिटा दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा रशीदे, अपने बेटे के सामने खड़ा हो जाओ और कह दे कि तू उसका बाप है। रशीद बस कादर, बस इसके आगे और कुछ मत कहना। कड़वी, मेरी बातें कड़वी लगी? हाँ सच्चाई तो होती ही कड़वी। कादर मैंने कह दिया ना, सच और सच्चाई क्या है ये तू भी जानता है और मैं भी। कादर जो रशीद तेरी हर बात को फरमान इलाही मानता था वो रशीद अब मर चुका है। इस वक्त जो शख्स तेरे सामने खड़ा है उसका दिल जला हुआ है
तेरे मुंह मतलब ना, जा, चला जा यहाँ से। जाना तो सबको है रशीद, लेकिन कुछ करके जाना है। जो कसम खाई है उसे पूरा करके जाना है। कसम? तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने आप को नहीं। चल चल, जरा फुर्सत निकाल कर अपने बारे में सोच। कौन किसको धोखा दे रहा है? ज्यादा बातें ना बना, और सुन, वो याद कर रहे हैं तुझे, मिलने चले आना। हाँ भाई मीर साहब, मैं चलता हूँ। खैरियत है ना? हाँ महबूब भाई, सब ठीक है। लेकिन पता तो चले बादशाह, इंस्पेक्टर ने आपको बुलाया क्यों था? मेरी इजाजत लेने के लिए। इजाजत? किस बात के लिए? दहशतगर्द रशीद को गोली मारने की। क्या? खैर छोड़िए महबूब भाई, घर चलिए, मेरी वजह से आप लोगों को भी नाहक परेशान होना। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हो? ये बात कुछ पन्ने नहीं पड़ेगी। क्या करूं जसबीर भाई, मेरी बदनसीबी। और क्या, वो कमबख्त रशीद मेरा भाई है। वो तो हम जानते हैं सूफी साहब, लेकिन इंस्पेक्टर आपसे क्यों ऐसे बात कर रहा था? वो भी क्या करे जसबीर भाई, सरकारी अफसर है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। अरे सरकारी अफसर है तो क्या हुआ, कानून को हाथ में लेगा? अंधेर है क्या? तुम चलो मेरे साथ। क्या जवाब दिया उसने? जवाब क्या मीर साहब, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और वो जवाब क्या देगा, घूम फिर के आएगा वो यहाँ मीर कासिम के पास, क्योंकि बुलबुल बाग से उसको जवाब मिल गया। बड़े भाई अहमद सूफी ने उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। ये जंगल उसको कब तक बना देगा? वो हमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो जानता है जंगल के इस पार मौत है और इस पार भी मौत। रशीद वो अभी मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है वो, क्योंकि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अपना इकलौता बेटा गुलजार। उसे सिक्योरिटी की जरूरत है, उसे पनाह की जरूरत है, उसे छत की जरूरत है, समझे? और वो सिवाय मीर कासिम के उसको कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। ठीक कहते हैं मीर साहब, लेकिन मीर साहब मुझे लगता है वो काफी बदल गया है, जोर जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उसके साथ क्या सलूक करना ये मैं जानता हूँ कादरिया, मैं जानता हूँ मुझे उसके साथ क्या करना। मुझे मालूम है। होशियार, होशियार, खबरदार। जरूर, जल्दी बोलो। आप बैठिए, हम यहाँ का बैठने के लिए आए। सलाम है। मुझसे कोई गलती हो गई? खाने से मत रो, खिलाने से मत रो। नहीं नहीं रोकूंगा। तेरा क्या है? सब उसका है। मेरा क्या है? बचपना नहीं छूटता, भतीजी नादान, अल्लाह की शान। सबर सबर, अल्लाह ने सबर दिया है, तू भी सबर रख हजान। टाइम हो गया, गाड़ी आने का टाइम हो गया। सुन साहब, कहवा पिला, सबको पिला। वाह 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 वाह, गुड़िया खट्टे बैंगन बना रही है, मेहमान आ रहा उसका ख्याल रखना। बाप, मेरा मुनीर अहमद कब आएगा? वक्त इम्तिहान अल्लाह, खाते खाते पहुंचेगा कहीं नहीं, न खाके होगा अहंकारी। अल्लाह होशियार, खबरदार, दे दे दे, होशियार, खबरदार, होशियार। कहीं मेहमान मेरे घर तो नहीं आ रहा? आ गई शामत, सबका हमारे यहाँ आ रहा हूँ, इसीलिए कहवा बनवाया। अरे अपना मेहमान तो आ चुका, अब उसे कभी नहीं जाने दूंगा। ए, ए,
क्या बात कर रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं कह रहा, वो ये मेरा सिल्क का कट पीस। अल्लाह होशियार खबरदार, चल धना। अबू खुदा बांध भी मरो नहीं, कैसे खुदा पर छोड़ दूं मेरी तनों। तन्ना, तुमने मुझे तन्ना बोला? अरे खुदा का वास्ता, किताब खोले बैठी रहो ताकि लोग समझे कि तुम सबक याद कर रही हो। पहले बताओ तुमने मुझे धन्ना क्यों कहा? मैं तुम्हें तुम्हारी घोड़ी दिख रही हूँ। तुम्हारे इसी अदा पर तो हम फिदा है बेवकूफ जाने मन। धन्नो वैजंती माला का नाम है फिल्म गंगा जमुना में। अजीब बात है, एक फिल्म में वैजंती माला धन्नो है और दूसरी में घोड़ी धन्नो। फिल्म वालों का कमाल है, पहले वो हीरो के लिए एक लड़की लाते हैं, उसे हीरोइन बनाते हैं, फिर कुछ साल गुजरने के बाद उस हीरोइन को उस हीरो की माँ बना देते हैं। अरे लानत भेजो ऐसे फिल्म वालों को जो माशूक को माँ बना देते हैं। अरे फिल्म वालों पर लानत क्यों भेजती हो, उन बेचारों का क्या कसूर? दरअसल हीरोइन की गारंटी जल्दी खत्म हो जाती है। उन सब बातों को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ मुलाकात का ये कौन सा तरीका है? तुम पेड़ पर चमगादड़ की तरह लटकते रहो और मैं यहाँ सबक याद करती रहूं। मुलाकात का मतलब ये थोड़ी ना है कि दीदार भी ना हो। दीदार की दीवार का मुगले आजम है रज्जाक कांदरे, मेरा मतलब है रज्जाक नानवाई। जब तक उसके गुस्से का तंदूर ठंडा नहीं हो जाता, तब तक कभी मुझे तो कभी तुम्हें यूं ही पेड़ पर लटकना होगा। जंगल पेड़ हमारे दोस्त है, जंगलों पर ही हमारी जिंदगी का दारो मदार है। तू क्या कर रही है? मौसमों के बदलने का जिम्मेदार भी जंगल है। जंगल? जंगल में मंजिल है। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ों से हमें फल मिलता है। क्या बात है, दो दिन से तांगा नहीं निकाला तूने?
हमको कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जी। तबीयत ठीक नहीं थी? हाँ जी। तो पेड़ पे चढ़ा क्या कर रहा था? आपसे किसने कहा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कभी तुझे फिल्म देखने का भूत सवार होता है, कभी सुबह सैर पे जाने का, और कभी ये रोटियां लाने की जिद करता है। ये पेड़ पे चढ़ने की क्या तू कह रहे? नहीं, आराम से खा, आराम से। जल्दी क्या है, पेड़ पे चढ़ना है क्या? तुम्हें क्या हो गया है? अरे खाना खा रहा है, डांटना शुरू कर दिया, और ये पेड़ पे क्यों चढ़ने लगा? पेड़ पे चढ़े इसके दुश्मन। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, अरे मुझे तो इसी के दोस्त ने बताया। कौन से दोस्त ने बताया? हाँ वही नजीर, सुबह जब दाढ़ी बनवाने गया तो कहने लगा आजकल जमील बांडे पेड़ पे क्या तोड़ता है। ये कहा उस हज्जाम ने आपसे? हाँ यही कहा उस हज्जाम ने तेरे बाप से। अच्छा, क्यों अब तू उसके ऊपर चढ़ के उसे तोड़ेगा? नहीं नहीं, तुम्हारी तरह बैठ के हुक्का पिएगा। मैं कहाँ पी रहा हूँ हुक्का? कहाँ पी रहा हूँ मैं हुक्का? आज तो उसे आना ही है, आएगा जरूर आएगा। ये सुबह सुबह महबूब नक्सली कहाँ से आ रहा है? पता नहीं। कोई है उसके साथ? मेरा बेटा आ गया, महबूब मेरा बेटा ले आया। ये मुनीर नहीं हो सकता, कौन है ये? ये मुनीर तो नहीं है। ये कौन है? ये मुनीर नहीं हो सकता। पहचाना इसे डार? ये मेरा मुनीर तो नहीं लगता। परवेज, परवेज मलिक, मास्टर काशीनाथ का बेटा। वाह, बाप उस दिन इसी के आने की बात कह गए थे। महबूब, तुम्हारी इससे मुलाकात ना हुई? अरे मुझे पता था ये आने वाला है आज। इतना बड़ा हुआ है तो पहचान लो इसे। चल बेटा चल। Get out.